सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ केशव बत्रा। एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है यार आप सब लोगों से बात करके। एंड थोड़ा सा नर्वस हूँ, कहीं मैं अगर गलती से कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड आज मैं अपना मतलब इंट्रो देना चाह रहा था। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम जींद, हरियाणा। हरियाणा में है जींद। एंड करेंटली मैं गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में परस्यू कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि मैंने 8th तक तो क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी, जहाँ पे यार कॉन्वेंट स्कूल है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट सा माहौल भी होता है, बट डेवलपमेंट भी होती है उधर। वहाँ पे सारे इंग्लिश में बोल रहे थे, तो थोड़े बहुत इंग्लिश बोलने हमें भी आ गई। एंड 8th के बाद हमारे DAV स्कूल में, वहाँ पे एनवायरमेंट थोड़ा सा चिल था, तो थोड़ा सा हमने भी कुछ ट्राई किया कि भाई जाके नेटवर्क बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। एंड देन आई टुक पार्ट इन NSS इन क्लास 11। एंड फॉर्चुनेटली मैं उधर NSS में स्टूडेंट काउंसिल का डायरेक्टर भी बन गया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया। तो एक्चुअली मैंने अपनी क्लास 12th में NSS में स्पीच भी दी थी, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट स्पीच थी। और वो थोड़ी बहुत संदीप महेश्वरी सर की वीडियो से भी इंस्पायर थी, एंड द स्पीच वॉज लाइक वाओ। सो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेरे हिसाब से आप सबको भी मतलब NSS तो एक बार ज्वाइन करना ही चाहिए, अगर आप अभी कॉलेज में या स्कूल फेज में हैं। तो वैसे अभी हमने यूनिवर्सिटी में इतना एक्सप्लोर किया नहीं है, बट देखते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे, नेटवर्क बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, तो जो होगा बढ़िया ही होगा। तो अगर मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में या अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो मेरा इंटरेस्ट आपसे थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा गेमिंग की तरफ इंक्लाइंड है, एंड थोड़ा सा इनका इंटरनेट एंड PCs की तरफ इंक्लाइंड है, एंड थोड़ा बहुत जो स्पिरिचुअलिटी है वो मुझे बहुत एक्साइट करती है। एंड जो आपका टेड टॉक्स है और पॉडकास्ट है वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, बस आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और अगर गलती से ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं, बस मजे मारो और क्या। ठीक है, बाय बाय, ठीक है।